हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। बॉस चैलेंज, हाँ जी, जो कि इवेंट चल रही है अभी। बॉस चैलेंज से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर करी थी, बट स्टिल कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिला कि अभी तक मेरे फ्रेंड्स के दिमाग में कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इस इवेंट को लेके। तो मैं इस वीडियो में जो है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि बॉस चैलेंज जो है, जो लोग नहीं खेल रहे हैं उनको क्यों खेलना चाहिए और इसके आप कितने अच्छे से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये शॉर्ट वीडियो। तो चलते हैं जल्दी से इवेंट की तरफ, मैं थोड़ी बहुत बातें आपको समझा रही हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए, वीडियो शॉर्ट हो इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। अब देखिए, हम इवेंट में आ गए हैं, आप देख रहे हैं ये बॉस है, ये फर्स्ट बॉस है। आप देख रहे हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो 1000 पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से जो है छः से सात बॉस आते हैं और पहला बॉस जो है उसके पॉइंट्स है 1000। तो ये 1000 पॉइंट्स जब हम टूल यूज़ करते हैं, हमको फ्री टूल्स मिलते हैं हर पर मिनट में, और वो जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उससे ये जो बॉस के पॉइंट्स हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं। और जैसे ये 1000 पॉइंट्स हम लोग रिकवर कर लेते हैं तो ये बॉस को हम डिफ़ीट कर देते हैं, और जैसे ये बॉस डिफ़ीट हो जाता है तो हमको जो इसका पहला गिफ्ट है वो मिल जाता है। ओके, इस तरीके से जो कंटिन्यूटी में जो बॉस आते हैं, पहला बॉस जो है 1000 पॉइंट्स का है, सेकंड बॉस जो है वो 3000, थर्ड वाला जो है 10000, फोर्थ है 30000, 90000, इस तरीके से जो है वो बढ़ता जाता है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पहले तीन बॉस तो मारना ईजी होता है, कोई छोटी फैमिली भी है, कम लोग खेल रहे हैं तो भी जो है आप आराम से तीन बॉस मार सकते हैं मिलकर। और बाकी यदि आपकी बड़ी फैमिली है तो आप लोग जो है पूरे जितने भी बॉस हैं उन सबको डिफ़ीट कर सकते हैं, और उनको डिफ़ीट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जो है विक्ट्री वाला जो रिवॉर्ड है वो तो अलग बात है। अब बात आती है कि क्या हम, यदि हम जीत नहीं पाते तो क्या हमको ये बॉस मारने के रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि नहीं जीत पाते हैं, अपोजिट टीम भी खेल रही है और वो आपसे आगे हैं, तो विनिंग तो जो है उनको मिलेगी, बट ये है कि बॉस डिफ़ीट करने के रिवॉर्ड्स उनकी टीम को मिलेंगे और आपकी टीम को भी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये है इस इवेंट में, और बहुत अच्छी बात मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो भी फैमिलीज नहीं खेल रहे हैं तो ये मैं कहूँगी कि मूर्खता है, ये सभी को खेलना चाहिए। बिकॉज ये है कि जो बॉस हम डिफ़ीट कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स दोनों टीम को मिल रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि विनिंग के लिए नहीं भी आप लड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को टूल्स कलेक्ट करके यहाँ मारना चाहिए और बॉस को डिफ़ीट करना चाहिए ताकि बॉस वाले रिवॉर्ड्स जो हैं सबको मिल ही जाएं। ओके, तो दोनों टीम का खेलना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोनों टीम के लिए। तो ये बात मेरी ज़रूर नोटिस में रखें आप लोग कि ज़रूर खेलें, इस इवेंट को छोड़ें ना। ओके, अब बात आती है कि क्या करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको गिफ्ट मिल सकें। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप लोग 9 बजते से ही पहला टूल जो है अपना यहाँ आके मारिए, क्योंकि जब कोई बॉस डिफ़ीट हो रहा है उसके पहले यदि आप टूल मार चुके हैं तो वो बॉस भी जो है उसके बॉस डिफ़ीट के रिवॉर्ड जो हैं आपके खाते में आ जाएंगे, अदरवाइज़ जो है आपके बैगेज में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसलिए जितना जल्दी आप बॉस इवेंट में एंटर करके टूल जो है यूज़ करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, और जितने भी बॉस आपकी टीम और अपोजिट टीम मिलके बॉस डिफ़ीट कर सकते हैं उतने आप डिफ़ीट करिए और वो सारे रिवॉर्ड्स आपकी पूरी फैमिली जो है ले पाएंगे जो भी इसमें टूल यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन ये था कि हम गोल्ड कॉइन्स कब यूज़ करें, तो मैं कहती हूँ कि गोल्ड कॉइन यूज़ करना ही है ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक गोल्ड कॉइन यूज़ करके जो है आप मान लीजिए कि आप ही की टीम खेल रही है और आप थोड़े से पॉइंट से दूर हैं, मान लीजिए आपके 2-3 हज़ार पॉइंट ही दूर हैं बॉस को डिफ़ीट करने से और एक बॉस आपको मिल सकता है, तो आप लोग जो है थोड़े से गोल्ड कॉइन यूज़ कर सकते हैं। और गोल्ड कॉइन यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये जब हम ये बैटल के टाइम में बाय हो जाएगा और ये वाला आप जब बाय करेंगे जब बैटल के टाइम में, तो वो आपको दिखाएगा कि आपके कॉइन लगेंगे इतने और आपको ये बाय करना है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी थोड़ी सी कमी रह गई है और ये बॉस जो है आपके हाथ में आ जाएगा, आप बॉस को डिफ़ीट कर पाएंगे, तो आप थोड़े से गोल्ड कॉइन यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है कि आप बिना गोल्ड कॉइन के खेलिए। हाँ, बट यदि आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं और आप जो है प्राइस पूल में जो है अपना जो है
नाम ला सकते हैं प्राइस पूल के अंदर और आप हाईएस्ट रैंकिंग में आ सकते हैं टॉप 1 से लेकर टॉप 10 तक, तो ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि आप गोल्ड कॉइन्स ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो है प्राइस पूल का जो आपको गोल्ड कॉइन्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, उसका शेयर भी। तो ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो वाला जो वीडियो की लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा यदि आप प्राइस पूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं इस इवेंट से रिलेटेड। ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें बताने के लिए किया है कि आपको क्यों खेलना चाहिए और किस तरीके से आप बिना गोल्ड कॉइन के बहुत सारे गिफ्ट्स ले सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने तो एक ही दिन खेला था, 2 दिन मिस किया था अभी फ़िलहाल, पिछली बार जो था उसमें पूरे मैंने रिवॉर्ड्स लिए थे बट इस बार मैं खेल नहीं पाई थी, तो अभी देख लीजिए कल ही खेला था मैंने, तो ये 4 रिवॉर्ड आपको इसमें दिख रहे हैं। तो ये जो ये है 5 फ्रेगमेंट्स हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि हमारे तो बॉक्स में बैगेज में कुछ भी नहीं आ रहा है और क्या ये इवेंट फालतू है, तो जी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप यदि आपकी विक्ट्री हो रही है तो आपको विक्ट्री रिवॉर्ड तो आपके बैगेज में मिल जाएगा, ओके, और जो ये बाकी बॉस डिफीट वाले रिवॉर्ड है वो आपको फ्रैगमेंट के फॉर्म में आपके बैगेज में दिखेंगे, गेम के बाद दिखेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपको बैगेज में दिखेंगे फ्रैगमेंट के फॉर्म में। ये जैसे अभी 5 फ्रैगमेंट्स आप देख रहे हैं कि 5 फ्रैगमेंट्स मिले हुए हैं, अब ये 5 फ्रैगमेंट्स आज यदि मैं इस गेम को और खेलूँगी और मैंने उतने बॉस फिर से मार लिए तो यदि ये 5 फ्रैगमेंट्स 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 10x10 का जो है मर्जिंग है और आप मर्ज करके फिर इस गिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी इन गिफ्ट्स के कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है कि टाइम लिमिट में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपके पास सेव करके आप रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये इवेंट बहुत अच्छी है और किसी को मिस नहीं करना चाहिए, दोनों टीम को मिलकर खेलना चाहिए और सारे बॉस डिफीट करना चाहिए। यही था मेरे वीडियो में, तो ज़रूर खेलिए सभी लोग मिलके और अपोजिट टीम को भी बोलिए कि वो भी खेलें और इन्जॉय कीजिए, बॉस को डिफ़ीट कीजिए और लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स। और कोई भी डाउट हो इस इवेंट को लेके तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल कीप सिंगिंग कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।